ये सरकार जो है देश को लूटने में तो लगी है, लेकिन हर बार में ये कह देती है कि हमें नहीं पता इसको करने वाला कौन है, ये सब एक्ट ऑफ गॉड है, भगवान कर रहा है और भगवान ही देश को चला रहा है। कहावत है कि अगर आप कुत्ते को राज सिंहासन पे भी बैठा दो तब भी वो चमड़ा ही चबाएगा, यानी कुत्ते को अगर आप राज सिंहासन पे बैठा दोगे तो भी आपका जूता लेके वो काटने लगेगा, उसे चबाने लगेगा। तो ये पूरा देश जो है विचित्र किंतु सत्य अंदाज में जो है मोदी सरकार चलाती है, चीज़ें आती हैं गायब हो जाती हैं और उसके बाद जनता जब पूछती है भाई क्या है तो कोई पता नहीं चलता कि इसका नाम लेवा पानी लेवा कौन था, किसने शुरू किया, क्यों शुरू किया। कि मोदी राज में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो विचित्र हैं किंतु सत्य हैं। भारतीय जनता पार्टी, मैं हमेशा कहता हूँ ये पार्टी है ही नहीं, ये पिंडारियों का, चोरों का, लुटेरों का गिरोह है जो आरएसएस के नाम पे जो है ध्वज प्रणाम करते करते इनको अचानक सत्ता हाथ लग गई, लेकिन सत्ता का चरित्र कैसा होना चाहिए वो इनको नहीं पता। दोस्तों आदाबर जी, मैं निसमत खान हिंदुवंश से आपसे मुखातिब हूँ, साथ में हमारे हैं प्रविंदर जी, क्या परिचय करना है, खुद ही अपने आप में एक परिचय है। रविंदर जी खैर मकदम, स्वागत है आपका। रविंदर जी, एक जब कोरोना फैला था तो एक आरोग्य सेतु जी एक ऐप का बड़ा चर्चा हुआ था, ये हुआ था कि बस में नहीं बैठने देंगे, ट्रेन में नहीं चढ़ने देंगे, यूपी में तो ये कह दिया था कि उसके ऊपर फाइन होगा कार के, तो चेकिंग ही उसी की होगी, आप कार चलाना जानते हैं नहीं जानते हैं, कार में बैठे तो आरोग्य सेतु के। अब उसमें आ रही कि आरोग्य सेतु किसने बनाया जी, अभी पिछले दिनों आ रहा था, उसकी क्या उपयोगिता है, RTI डाली गई, पूछा नहीं गया, फिर खबर आई कि ऐसे 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 इसने बनाया है, ऐसे बना था, और उन लोगों को डांट फटकार पड़ रही है जिन्होंने जवाब दे दिया था कि इसका पता भी नहीं कि सरकार ने बनवाया क्यों। तो ये आरोग्य सेतु जैसे कई स्कैंडल हैं जो बने हैं, तो आरोग्य सेतु से क्या फ़ायदा क्या होने वाला था, क्योंकि उस वक्त ये लोग ये कह रहे थे कि इससे हमारे सीक्रेट आउट होंगे, बिल गेट तक चले जाएंगे, क्योंकि जब इसका इनॉग्रेशन हुआ तो बिल गेट मौजूद था वहाँ। जी जी जी, क्या है इस सिलसिला? जब हम बचपन में छोटे थे, आप भी छोटे होंगे, तो मैगजीन पढ़ते थे, अखबार पढ़ते थे, उसमें एक कॉलम होता था विचित्र किंतु सत्य। तो विचित्र किंतु सत्य ऐसी चीज़ें होती थी कि जिसपे आपका एकदम जो है यकीन भी ना हो, लेकिन वो होती सच बात। तो आप देखिए कि मोदी राज में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो विचित्र हैं किंतु सत्य हैं। जैसे कि जब 2019 के चुनाव हो रहे थे तो एक नमो टीवी आया था, 180 दिन नमो टीवी दिन रात चलता रहा। और चुनाव आयोग की आचार संहिता में लिखा था कि आप जो है अगर मास मीडिया का गलत इस्तेमाल करते हैं तो आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। और जब ये मालूम किया गया कि नमो टीवी किसका है तो जवाब मिला पता नहीं किसका है, कौन चला रहा है हमें नहीं पता, कौन इसका मालिक है ये हमें नहीं पता। लेकिन 180 दिन हिंदुस्तान में नमो टीवी चलता रहा और उसके बाद वो धूम केतु की तरह आया और गायब हो गया। फिर जब आपको याद होगा नोटबंदी आई तो बहुत सारे, जैसे आप देखेंगे GTV के जो सुधीर चौधरी हैं, उन्होंने कहा कि इन 2000 के नोटों में जो है एक छोटी सी सिम लगी हुई है, आज तक वाली वो लड़की थी वो भी कहती थी जी इसमें जो है बड़ी माइक्रो चिप लगी हुई है, बाद में जब देखा गया तो पता चला कि माइक्रोचिप नाम की कोई चीज़ नहीं मिली। इसी तरह आप देखेंगे कि अब जब आरोग्य सेतु आया है तो आरोग्य सेतु का भी यही हाल है कि सरकार ने कहा कि आरोग्य सेतु नहीं होगा तो आप घर से बाहर नहीं निकल सकते, आप जो है मॉल में नहीं जा सकते, आप जो है हवाई जहाज में नहीं बैठ सकते, कहीं नहीं, आप ट्रेन गेट स्टेशन पर नहीं जा सकते, आप पे आरोग्य सेतु नहीं है तो घर से बाहर निकल के कार नहीं चला सकते, आप इवन अस्पताल नहीं जा सकते अगर आपके पास आरोग्य सेतु आपके ऐप में नहीं है। और उसके बाद अभी भी जो है 5-star होटल में जाओगे तो वो कहेंगे आरोग्य सेतु दिखाओ। तो मैं थोड़े दिन पहले अशोक होटल गया किसी से मिलने, तो वो बोला जी आरोग्य सेतु आपके पास है, मैंने कहा मेरे पास नहीं है, कहता आपने क्यों नहीं डाउनलोड किया, मैंने कहा फ्रॉड है, भारत सरकार का फ्रॉड है ये। तो वो मुझे बोला आप कैसी बात करते हैं, हम आपको डिटेन कर सकते हैं इस बात पे। मैंने बिल्कुल डिटेन कर सकते हो, लेकिन फ्रॉड तो फ्रॉड ही रहेगा, डिटेन करने से फ्रॉड तो ठीक नहीं हो जाएगा। अब जो है खबर आ रही है, अब वो पता चल रहा है कि नेशनल इन्फॉर्मेटिक सेंटर NIC कहता है जी हमें नहीं पता ये क्या है, ये भला क्या है। उधर जो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री, जिसके रविशंकर प्रसाद जो है मंत्री हैं, वो कहता है जी हमें नहीं पता ये क्या भला है। तो मेरा ये मानना है, मेरी एक धारणा है, और मैंने कैबिनेट सेक्रेटरी को चिट्ठी भी लिखी इस बारे में, कि जो नमो टीवी है ये PLA पीपल लिबरेशन आर्मी ऑफ चाइना ने बनाया है, और इसी तरह आरोग्य सेतु मैं मानता हूँ कि ये जो है PLA का ही बनाया हुआ है, और PLA और बिल गेट्स मिलके जो है इसका कोई दुरुपयोग कर रहे हैं ताकि लोगों का डाटा मिल जाए।
अब आरोग्य सेतु क्या बताता है, हम तीन लोग यहाँ बैठे हैं तो वो बताएगा जी तीन लोग इस समय इतने समय तक जुड़े रहे, यानी इतना सेंसिटिव डाटा है कि आप अपनी पत्नी के साथ हैं तो वो बता देगा आप अपनी बीबी के साथ क्या कर रहे थे, आप और जगह हैं तो आप क्या कर रहे थे, अदालत में जाना हो तो आरोग्य सेतु जरूरी है, जज आपको जब ही सुनेगा जब आपके आरोग्य सेतु डाउनलोड होगा, लेकिन उस आरोग्य सेतु का मालिक कौन है, कौन चला रहा है ये नहीं पता। तो ये पूरा देश जो है विचित्र किंतु सत्य अंदाज में जो है मोदी सरकार चलाती है, चीज़ें आती हैं गायब हो जाती हैं और उसके बाद जनता जब पूछती है भाई क्या है तो कोई पता नहीं चलता कि इसका नाम लेवा पानी लेवा कौन था, किसने शुरू किया, क्यों शुरू किया। एक तरह से सरकार जो है कहती है कि हमारी किसी चीज़ की कोई जिम्मेदारी नहीं है, जो कुछ हो रहा है वो ऊपर वाला कर रहा है। जैसे वो आपने देखा होगा निर्मला सीतारमण हर चीज़ को कहती है एक्ट ऑफ गॉड है, एक्ट ऑफ गॉड। तो ये आरोग्य सेतु जो बना ये भी एक्ट ऑफ गॉड है, और ये जो नमो टीवी आया था वो भी एक्ट ऑफ गॉड है, आप देखेंगे जो नोटबंदी हुई वो भी एक्ट ऑफ गॉड है, जो GST आई वो भी एक्ट ऑफ गॉड हुई। तो ये सरकार जो है कोई आदमी नहीं चला रहा। और आप देखेंगे जब लोग कहते हैं PM केयर फंड के बारे में बता दो तो RTI में कहते हैं इसके बारे में नहीं बताएंगे, वो भी एक्ट ऑफ गॉड है। तो ये सरकार जो है देश को लूटने में तो लगी है, लेकिन हर बार में ये कह देती है कि हमें नहीं पता इसको करने वाला कौन है, ये सब एक्ट ऑफ गॉड है, भगवान कर रहा है और भगवान ही देश को चला रहा है। अब आप अभी हम पिछले बुलेटिन में बिहार के चुनाव की चर्चा कर रहे थे, मध्य प्रदेश का भी चुनाव चल रहा है। हाँ जी, और बड़ा क्रूशियल चुनाव है, उसमें भी सरकार गिर सकती है, पैसा दे दिला के किस तरीके से वो सरकार बनी है। जी जी, उसमें कुछ चीज़ें बड़ी अच्छी अजीब हो रही हैं, जैसे जो सिंधिया जो जब स्पीच देते हैं ज्योतिरादित्य देते तो कहते पंजी में मोहर लगाओ। हाँ, शिवराज सिंह भी कुछ ऐसी उल्टा सीधा बोलते हैं, वो कहते हैं मैं भूतपूर्व मुख्यमंत्री भूतपूर्व उन्होंने साबित कर दिया। तो आगे आप क्या देख रहे हैं उस चुनाव के बारे में, क्योंकि उसमें सब एक किस्म से कहना चाहिए खरीद फरोख्त का मामला है। हाँ जी, तो पैसा तो वही लग रहा है। देखिए जो ये जो चुनाव है एक स्टेट का नहीं है, ये दो मुख्यमंत्रियों के भाग्य का फैसला करने वाला चुनाव है। एक ये तय करेगा कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री रहेंगे या तेजस्वी मुख्यमंत्री बनेंगे, और दूसरा ये चुनाव जो मध्य प्रदेश में तय करेगा कि शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री रहेंगे या कांग्रेस के कमलनाथ वो मुख्यमंत्री रहेंगे। अब 28 सीटों में चुनाव हो रहा है, और 28 सीटों में चुनाव सबसे ज़्यादा जो मनोरंजक चुनाव है दुनिया का आज तक अगर कोई हुआ है तो मध्य प्रदेश के 28 सीटों के उपचुनाव है। पहले वो ज्योतिरादित्य कहते थे टाइगर अभी जिंदा है मैं टाइगर हूँ, फिर एक हफ्ते पहले बोले मैं काला कौआ हूँ, फिर अब वो कल बोले मैं कुत्ता हूँ, हाजी मैं कुत्ता हूँ, थोड़े दिन बाद वो जब चुनाव खत्म हो जाएंगे कहेंगे मैं तो बिल में घुसा हुआ जो है चूहा हूँ। तो आप समझिए कि कोई आदमी अगर अपने आप को गलत गलत नामों से पुकारने लगे, जैसे मोदी जी कह रहे हैं कि लोग मुझे गाली देते हैं, एक मैंने उनकी वो वीडियो भी मैंने शेयर की है फेसबुक पे जिसमें वो कहते हैं कि ये मुझे गंदी नाली का कीड़ा कहते हैं, ये मुझे सुअर कहते हैं, ये मुझे रेबीज वाला बंदर कहते हैं, ये मुझे जो है हिटलर कहते हैं। और मोदी जी ने पूरी उस वीडियो में 15 मिनट में अपने ऊपर सारी गालियाँ दी और अपने को कहते हैं ये विरोधी कहते हैं। तो मजे की बात यह है कि आप अगर वहाँ का चुनाव देखेंगे बिहार का, तो तेजस्वी ने आज तक जो है मोदी जी का नाम अपने मुंह से नहीं लिया, लेकिन मोदी जी को पता चल जाता है जो भी कोई आदमी उनके सामने आता है कि साला मेरे मन मन में मुझे गाली दे रहा है, कि मोदी जी जो है चेहरा पढ़ने की कला जानते हैं। तो जब भी कोई आदमी आता है तो उन्हें पता चल जाता है ये साला मुझे माँ की बहन की पता नहीं कौन कौन से गाली दे रहा है, और फिर वो जो है बताते हैं कि तू मुझे ये गाली दे रहा है। तो मोदी जी इस मामले में मैं कहूँगा एक अच्छे भविष्य वक्ता हैं, और वही बात जो है मोदी जी के थोड़े गुण जो है शिवराज सिंह चौहान ने भी सीख लिए। अच्छा, अब शिवराज सिंह चौहान कल कह रहे थे कि जी मैं तो भूतपूर्व मुख्यमंत्री हूँ, जो आदमी सत्ता में बैठा है जिसे 1100 करोड़ रुपए खर्च करके जो है सत्ता हथियाई है, जो आज भी कांग्रेस के MLAओं को 50-50 करोड़ रुपए देके खरीद रहा है, अगर उसके मन में ये भय है कि मैं जो हूँ भूतपूर्व मुख्यमंत्री हूँ या उसे ये नहीं लग रहा कि मैं मुख्यमंत्री हूँ, तो बड़ी सी बात यह है कि भारत के लोकतंत्र में पहली बार जो है विदूषक किस्म के लोग जिन्हें हम कार्टून कहते हैं जिन्हें हम कॉमेडियन कहते हैं वो सत्ता के राज सिंहासन पर बैठ गए, और सत्ता के राज सिंहासन पर बैठकर वो हरकतें वही करेंगे जो उनकी मूल है। जैसे कहावत है कि अगर आप कुत्ते को राज सिंहासन पर भी बैठा दो तब भी वो चमड़ा ही चबाएगा, यानी कुत्ते को अगर आप राज सिंहासन पर बैठा दोगे तो भी आपका जूता लेके वो काटने लगेगा उसे चबाने लगेगा। तो ये लोग जो हैं अपनी हरकतों से अपनी आदतों से मूल प्रवृत्ति से बाहर नहीं आए हैं, और बाहर नहीं आने के बाद भी शिवराज सिंह चौहान को लगता है कि 28 की 28 सीटें हो सकता है मैं हार जाऊं, तो हारने की व्यवस्था क्या करूं मैं,
उसने फिर जो है कांग्रेस के एमएलओ को खरीदने के लिए 10 दिन पहले एक कोहली था उसे खरीदा, अब एक कल एक और को खरीदा 50 करोड़ रुपए देके। तो अगर आप सरकार 50-50 करोड़ रुपए देके खरीद रहे हैं तो सबसे बड़ी बात यह है, ये अन्याय तो बीजेपी के उन वर्करों के साथ है, आरएसएस के उन वर्करों के साथ है जो अब तक मध्य प्रदेश में दरी बिछाते रहे कि कांग्रेस का आदमी आता है वो आके 50 करोड़ भी ले लेता है, फिर उनके यहाँ जो है मंत्री भी बन जाता है, फिर चुनाव भी लड़ता है, फिर उनको वो उनका झंडा भी उठाते हैं और फिर उसके बाद 10-5 और आ जाते हैं। तो थोड़े दिन बाद आपको पता चलेगा कि शिवराज सिंह चौहान को छोड़कर बाकी के पार्टी की सरकार में जितने मंत्री हैं वो सारे आपको पता चलेगा भूतपूर्व कांग्रेसी हैं। तो वैसे देखा जाए तो पूरी पूरी बीजेपी ऐसी नहीं होती जा रही है। भारतीय जनता पार्टी में हमेशा कहता हूँ ये पार्टी है ही नहीं, ये पिंडारियों का, चोरों का, लुटेरों का गिरोह है जो आरएसएस के नाम पे जो है ध्वज प्रणाम करते करते इनको अचानक सत्ता हाथ लग गई। लेकिन सत्ता का चरित्र कैसा होना चाहिए वो इनको नहीं पता। एक यूएन डेवर होते थे जी, कांग्रेस के वो महाकार्य समिति के सदस्य रहे थे और जब वो उन्हें एक बार कांग्रेस का अध्यक्ष बना दिया तो वो अध्यक्ष बना दिया तो जब भी कांग्रेस कार्य समिति की बैठक होती थी तो डेवर जो है वहाँ बैठते थे जहाँ लोग अपने जूते उतारते थे, जूते उतार के गद्दे लगे होते थे वहाँ बैठ जाते थे और डेवर जी वहाँ बैठते थे। जब उन्हें कांग्रेस का अध्यक्ष बना दिया गया तो नेहरू जी एक बार उनसे मिलने गए, तो वहाँ गए तो उन्होंने देखा कि ढेबर जी जो है 7 जंतर मंतर में जो कांग्रेस का दफ्तर था वहाँ पर जो है गद्दा बिछा हुआ था उस पर सो रहे थे। तो नेहरू जी ने कहा एक बड़ा शीशा लाया जाए, एक शीशा लाया गया और उस शीशे पर लिखवाया गया कि मैं यूएन ढेबर कांग्रेस का अध्यक्ष हूँ और ये कहा कि इसको इनके चरणों में रख दो ताकि जब ये सुबह उठे तो ये शीशे में देखेंगे और तब इन्हें पता चलेगा मैं कांग्रेस का अध्यक्ष हूँ, यूएन ढेबर नहीं हूँ। तब ये जो है कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में जो है अपना रोल निभाना शुरू करेगा। तो ये भारतीय जनता पार्टी के जितने नेता हैं इन सबको एक एक ऐसा शीशा जो है कांग्रेस को या मैं समझता हूँ पब्लिक को भेंट करना चाहिए जिसमें इनको बताया जाए भाई तू जो है मुख्यमंत्री है, भाई तू जो है फलाना मंत्री है, कम से कम पद की तो गरिमा रख, क्योंकि अंदर से आदमी चाहे कितना ही नालायक हो लेकिन अगर उसे सबकाया जाए कि भाई तू राजा है, राजा की गद्दी पर बैठा है, राजा की तेरे बर्ताव कर, तब ये सीखेंगे। अब जो है ये सारे लोग ऐसे हैं जिनके बारे में लालू कहता था नीतीश कुमार के बारे में कि नीतीश कुमार के पेट में जो है दांत हैं, तो मैंने कहा भाई पेट में दांत का मतलब क्या हुआ, एक दो बिहारियों से मैंने पूछा भाई पेट में दांत का मतलब क्या है कि मतलब ये है हर चीज़ को ये हड़प लेता है, खा लेता है। तो मैंने कहा अगर नीतीश कुमार के पेट में अगर दांत हैं तो मोदी जी के पेट में तो डेंचर लगा होगा क्योंकि वो उसके ऊपर के भी दांत हैं, अंदर के भी दांत हैं, जो भी चीज़ मिले हजम कर लो और उसे ले जा के अडानी और अम्बानी के घर पहुंचा दो। तो क्या कई फिल्में हमने देखी होंगी जिसमें वो बंदर चोरी करते थे तो मालिक को ला के दे देते थे। तो मोदी जी का काम भी यही है, जो भी चीज़ हिंदुस्तान की उन्हें नज़र आती है कि भाई ये बेकार है इसे अडानी को दे दो और अम्बानी को दे दो। और जैसे वो कहते हैं डबल इंजन की सरकार है, मैं कहता हूँ डबल इंजन की सरकार नहीं है, भाजपा जो सरकार जो है मध्य प्रदेश में चला रही है, जो बिहार में चला रही है, वो दो उद्योगपति अडानी और अम्बानी के बंदरों की सरकार है जो वहाँ चला रहे हैं और जनता को लूट रहे हैं। अच्छा 5 बंदर की जगह 2 बंदर हुए, दो बंदर नहीं मालिक दो हैं। अच्छा मालिक बंदर, बंदर तो सारे हैं, बंदर तो आप ढूंढोगे तो 1000 निकलेंगे लेकिन मालिक तो दो हैं। इस सरकार का ध्येय एक ही है अडानी और अम्बानी को। अभी आपने नहीं देखा कल कि एयरपोर्ट जो है लखनऊ एयरपोर्ट वो अडानी को दे दिया 50 साल के लिए। तो जो भी चीज़ हिंदुस्तान में मौजूद है वो आप समझ लीजिए मोदी जी के रहते रहते 2-4 साल में हर एक पे लिखा होगा ओन बाई अम्बानी, ओन बाई अडानी, और उन्हीं की हो जाएगी और उन्हीं के लिए हम लोग जो है काम करेंगे। और हम लोग जो है एक तरह से कहेंगे विदेश में जब हम जाएंगे वो पूछेंगे जी किस देश से आए हो, हम कहेंगे हम जो है अडानी और अम्बानी के देश से आए, हमारा जो पासपोर्ट है राम और कृष्ण के देश से आए। हाँ राम और कृष्ण को तो कोई जानता ही नहीं ना, तब तक तो अडानी और अम्बानी एक बन जाएंगे, हम कहेंगे जी अडानी और अम्बानी जी के देश से हम आए हैं और यही हमारी एक पहचान होगी दुनिया में और लोग हमारे को हिराकत की नज़र से देखेंगे कि सारे आज़ाद हुए और बड़ी जल्दी गुलाम हो गए। बहुत बहुत शुक्रिया रविंदर जी आपका। इसी के साथ हम एक बार फिर विदा लेते हैं, अगली बार फिर रविंदर जी के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त।